अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरुण बेग और मैं किडनी डिजीज पेशेंट हूँ। माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ इस तरह की हुई हुई है। अक्सर डायलिसिस पेशेंट्स को सर्दियों में एक मुश्किल पेश आती है, वो ये कि सर्दियों में उन्हें अपना स्वेटर या थर्मल जो भी पहना होता है वो उतारना होता है डायलिसिस के लिए, ताकि जो टेक्नीशियन जो हैं वो आराम से बाजू एक्सेस कर सकें, आपका फिस्टुला एक्सेस कर सके और नीडल्स लगा सकें। इंटायर 4 घंटे जो होते हैं डायलिसिस के लिए, वो बंदा जो होता है वो मतलब उसको बहुत ठंड लग रही होती है। इसका एक बहुत आसान सा हल है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने एक अपना पुराना थर्मल लिया है और इसके अंदर से मैंने सिंपल सी ये मेरे लेफ्ट आर्म पे एक मैंने जिप लगवा दी है। ये ऐसे खुल सकती है जिप और ये ऐसे बंद हो सकती है। इससे ये होता है कि ड्यूरिंग डायलिसिस फिर आपको ये थर्मल उतारना नहीं पड़ता और ठंड नहीं लगती डायलिसिस के दौरान। इसके अलावा अगर कोई डायलिसिस पेशेंट है, लेडीज हैं जो अनकंफर्टेबल फील करती हैं शॉर्ट स्लीव्स पहनने में डायलिसिस के दौरान, तो वो भी एक जिप एक अपनी एक शर्ट में लगवा सकती हैं। इस तरह करके जिप एक लगवा सकती हैं जो डायलिसिस के ट्रीटमेंट के दौरान वो खोल लेंगी और वो ट्रीटमेंट के बाद बंद हो जाएगी। अगर आपका फिस्टुला नहीं है और कैथेटर लगा हुआ है चेस्ट के ऊपर या गले के ऊपर, आप जिप्स इधर भी और इधर भी लगा सकते हैं, तो वो आसानी से खुल सकती हैं और बंद हो सकती हैं। तो इसका फायदा ये है कि विदाउट रिमूविंग योर थर्मल, विदाउट रिमूविंग योर क्लोदिंग, आपका डायलिसिस का एक्सेस जो है वो आसानी से हो सकता है। मैंने इस थर्मल के साथ डायलिसिस करते हुए एक वीडियो बनाई है जो मैं इसके बाद लगा रहा हूँ, काइंडली वो जरूर देखें। आपके पास इस वीडियो के बारे में या इस तरकीब के बारे में कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो, तो मुझे प्लीज जरूर कमेंट में लिखें नीचे। मेरी अपकमिंग वीडियो में मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ बैठूंगा, उनसे सवाल जवाब करूंगा और उनसे हम बात करेंगे गुर्दों के मुतालिक, गुर्दों की बीमारी के मुतालिक। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई सवाल उनसे पूछूं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज शेयर करें। एंड लाइक ऑलवेज, कोई भी सवाल हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, कोई एतराज हो, आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट में आप लिखें, मैं जरूर इसका जवाब दूंगा। मेरी